राजधानी दिल्ली के चिराग दिल्ली गांव में स्थानीय ग्रामवासी द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी शामिल हुए। पंचायत का मुख्य उद्देश्य डीडीए की जमीन पर बन रही पुलिया और उसके आसपास के विकास कार्यों को लेकर था। हालांकि पंचायत से पहले ही विवाद उत्पन्न हो गया, जब बीजेपी के द्वारा कार्रवाई जा रही छठ घाट स्थल पर तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया गया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जानबूझकर पंचायत को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 4 महीनों से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा उनके द्वारा प्रस्तावित पुलिया के निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का उद्देश्य विकास कार्यों को अवरुद्ध करना है। विवाद बढ़ने के साथ ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दिल्ली पुलिस और ग्रामवासियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और गांव की महिलाओं ने बीजेपी नेताओं के पोस्टर फाड़कर उनके चेहरों पर चप्पल मारी। चिराग दिल्ली में यह तनावपूर्ण घटना पंचायत के शांतिपूर्ण आयोजन में विघ्न डालने के रूप में सामने आई है और राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। पंचायत में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली सरकार के विकास कार्यों को राजनीति विरोध का सामना करना पड़ेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी पंचायत हो रही थी और उसके बाद किस तरीके से यहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यहां पर खुद आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब वो इस पंचायत को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें इससे पहले भी चिराग दिल्ली गांव में विवाद हो चुका है, ये विवाद कोई नया नहीं है। यहाँ पर देखिए जहाँ डीडीए की जमीन थी वहीं पर छठ करवाने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिखाई दी, जहाँ स्थानीय नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और नई दिल्ली से सांसद बांसु स्वराज के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जमकर तंज और आरोप लगाए गए। फिलहाल अब इस पंचायत को लेकर सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं और क्या स्थिति है, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। उसने अपनी उसकी चप्पल भी खूब खाई है। ये सारा पेंसिल बिहार जानता है, पूरा खिड़की गांव जानता है। अब उसकी किस्मत में लुगाइयों से चप्पल खाना ही लिखा है, इसीलिए उसने चप्पल खाई है। और देखिए आज हम जिस पुलिया के लिए आए, हम जिस पूजा के लिए आए, वो पुलिया किसी एक समाज की नहीं है, वो पुलिया हर एक की है। चातर समाज सामने रहता है, उसके इस तरफ हमारा वाल्मीकि समाज रहता है, उधर खलिया में सहरावत रहते हैं, अंदर प्रजापति चौक के अंदर हमारे प्रजापति भाई रहते हैं, बीच बीच में पंडितों के भी घर है। जमीन नहीं है उनका, कोई लेना देना नहीं है। और बांसुरी स्वराज जी सांसद बन गई मगर कल की आई है, वो क्या जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों के पंगेबाजी करने आई है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, झाड़ला कुआं था यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ माता का मंदिर भी था, झाड़ला कुआं था, माता का मंदिर था, ये गांव की जमीन है, इस पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। और ये कब्जे की शुरुआत किस दिन से हुई उस दिन का भी मैं बता देता हूँ। वो कौन सा राजा था, जयचंद, एक जयचंद था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की फौजें बाहर वालों से हारी थी। जयचंद घर का भेदी लंका ढाए। तो ऐसे हमारे गांव में कुछ जयचंद हैं और उन जयचंदों ने क्या किया उसके सबूत आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे।
चिराग दिल्ली गांव के लोग वहां पंचायत रखे थे, क्या कहेंगे? देखिए, आज बड़े शांतिपूर्ण ढंग से गांव के लोग अपनी पंचायत कर रहे थे। गांव का 300 साल पुराना रास्ता भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र ने बंद कर दिया। बांसुरी स्वराज जी से कई बार कहा, बट वो कोई मदद नहीं कर रही हैं। और जैसे ही पंचायत शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के सूरज चौहान आदि नेताओं ने जानबूझ के म्यूज़िक को तेज़ कर दिया ताकि पंचायत ना हो सके। गांव वालों ने पुलिस से कहा, मगर पुलिस ने नहीं सुनी। फिर जब गांव वाले उठ के यहाँ तक आ गए तो डर के मारे फिर म्यूज़िक बंद किया गया। ये गांव वालों के साथ बदतमीज़ी है, उनको उकसाने की कोशिश है। इस सब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। बांसुरी स्वराज जी अभी अपनी माता जी के नाम पर चुनी गई हैं, उनको अपनी माता जी की छवि के बारे में सोचना चाहिए। इन सब हरकतों से उनकी माता जी की छवि भी खराब हो रही है। यहाँ पुलिस और पब्लिक में भी काफ़ी नोकझोंक हुआ है। देखिए, पुलिस बहुत दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है पुलिस वो कर रही है। जानबूझ के गांव वालों को परेशान करने के लिए पंचायत के बीच में म्यूज़िक चलाया गया, फुल वॉल्यूम पर चलाया गया ताकि पंचायत डिस्टर्ब हो। और फिर जब लोग यहाँ आ गए, औरतें आ गई, तो अपने आप म्यूज़िक बंद हो गया। तो इसका मतलब ये पूरी बदमाशी थी। बांसुरी स्वराज के पोस्टर में महिलाओं ने चप्पल मारी। अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बांसुरी स्वराज जी को अपनी माता जी की तरह अपनी छवि बनानी चाहिए। अभी एक साल भी नहीं हुआ और लोग उनसे इतने नाराज़ हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए।